पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निर्यातकों की संस्था यस की कार्यकारिणी बैठक में विशाल अग्रवाल को संगठन का नेशनल चेयरमैन और जेपी सिंह को मुरादाबाद का चेयरमैन घोषित किया गया। सोनल चंद्रा को यस वंडर वुमेन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। दिल्ली रोड जीरो पॉइंट में यस नेशनल YWWC और यस मुरादाबाद चैप्टर की संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान दो वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी सदस्यों ने डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना को नई कार्यकारिणी गठन के लिए सर्वसम्मति से अधिकृत किया। इस दौरान उन्होंने 2024-26 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की। बताया कि विशाल अग्रवाल को नेशनल चेयरमैन और जीपी सिंह को मुरादाबाद का चेयरमैन किया गया है। सभी सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर नीरज के संरक्षण में संस्था कार्य करती रहेगी। नई कार्यकारिणी के सभी मनोनीत सदस्यों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। COA सदस्यों का स्वागत हुआ और सम्मान हुआ। संगठन की बैठक के दौरान UPCH के COA चुनाव में विजयी डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना और अवधेश अग्रवाल का भी स्वागत किया गया। सभी सदस्यों ने दोनों सदस्यों को फूलमालाओं से लाद दिया। इस दौरान यस के चेयरमैन रोहित ढल, जनरल सेक्रेटरी पुनीत आर्य, MHEA के संरक्षक नजमुल इस्लाम, अध्यक्ष नवेदुर रहमान, YWWC की चेयरमैन प्रिया अग्रवाल मौजूद रही। मेरे मित्र और होने वाले नए दायित्व में अपना कार्य करने वाले श्री विशाल अग्रवाल जी, क्योंकि नेशनल चेयरमैन आज घोषित हुए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि नेशनल चेयरमैन का जो पद है वो एक बहुत जिम्मेदारी का पद है और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि वो इस पद को इस पद की जो गरिमा है उस गरिमा को वो जो है मेंटेन रखेंगे और यस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी नए बोर्ड के मेंबर हमारे आज बने हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद और मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ नोएडा से हमारी महिला बहन श्री श्रीमती खुशबू जी जो आज नोएडा से यहाँ पधारी हैं, उनको हम लोगों ने नेशनल डायरेक्टर बनाया है नोएडा का और उम्मीद है कि हम लोग उनके माध्यम से यस पानीपत जो हमारा ऑलरेडी जो है एक विंग चल रहा है जिसमें 200 मेंबर्स हैं, उम्मीद करेंगे कि खुशबू जी के माध्यम से हम लोग नोएडा को भी विकसित करें और यस एक नई ऊंचाइयों पे जाए। तो नीरज विनोद खन्ना जी द्वारा मुझे नेशनल चेयरमैन का दायित्व सौंपा गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो विश्वास है मुझ में वो कायम रह सके और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी EPCH के इलेक्शंस हुए थे और हमें हर सिटी से बहुत बड़ा सहयोग मिला, उन सबनों ने हमें बहुत सहयोग करा और हमारी जीत का वो भी बहुत मुख्य कारण थे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पानीपत के साथ साथ हम अलग अलग जगह में अपने चैप्टर्स खोल सकें और यस का विस्तार कर सकें। इसी क्रम में हमने नोएडा ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारी श्रीमती खुशबू सिंह जी को दी है जो आज इस मीटिंग में उपस्थित भी हैं। इसके साथ साथ हम लोग फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, भदोही, लखनऊ, बरेली सब जगह कोशिश करेंगे कि यस का एक एक वहाँ एसोसिएशन का एक एक यूनिट खुले जिससे कि हम लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना के चलें और एक बड़ी टीम बनाएं और जो कि आगे भी जो भी कार्य होगा चाहे समस्याओं को लेके या कोई और बात होगी तो उसे हम सब मिलके EPCH के आगे रख सकें, सरकार के आगे रख सकें जिससे कि हमारी सारी बातें सुनी जाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी मिसेस प्रिया अग्रवाल जी का, जिन्होंने जिनकी गाइडेंस से ही हमने आज तक का सफ़र तय किया है। और मैं दो लाइनें कहना चाहूँगी उनके लिए जो उन्हीं से मैंने सीखी हैं। असफलता वही है जहाँ तुम रुक जाते हो, सफलता वो है जिसमें तुम चलते जाते हो। जब एक साथ रहेगा तो आसमानों को छूकर हम अपनी दूरियों को तय करेंगे। तो अब अपनी टीम को लेकर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इसको यूनिटी के साथ हमें आगे लेके जाना है
और जैसा कि अभी विशाल भैया ने कहा कि अब हम कोलैबोरेट करके आगे की चीज़ों को तय करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उन पर। तो यही क्या उम्मीदें हैं अपनी नई टीम से? मुझे लगता नहीं है, मुझे विश्वास है अपनी टीम पर कि जिस सफलता के मुकाम तक नीरज भैया ने यस को पहुंचाया है, हम उसको और आगे लेके जाएंगे उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस में, अवधेश जी की गाइडेंस में, प्रिया जी की गाइडेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिया अग्रवाल एंड नीरज भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई हैव नॉट मेड एनी स्ट्रेटजी till now, but we are focusing to work on Priya's guidance, and I would like to thank her for believing in me and trusting me and giving me this opportunity, and let's see, we are still to make new agendas and strategies. Thank you so much. Madam, main sari team jo bhi nayi bani hai national aur internal un sabko apni taraf se badhai deta hu aur shubhkamnaen deta hu। और मैं सबसे ज़्यादा नीरज खन्ना जी का और विशाल जी का अपने ऊपर, जो उन्होंने मुझे अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है और उन्होंने मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है, मैं कोशिश करूँगा कि जो अपेक्षाएं, जो चीज़ें उन्होंने जो उम्मीद मुझसे करी है वो मैं पूरी कर पाऊँ। दूसरा, यह यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में जितने भी लोग निर्यातक और जो भी समाज के अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि सब मिलकर काम करें और यस को ऑल ओवर इंडिया के चैप्टर में सब जगह प्रसिद्धि करें और यस को आगे बढ़ाकर ले जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर नीरज विनोद खन्ना, विशाल अग्रवाल जी, रोहित अपने पास चेयरमैन रोहित दत्त जी, प्रेजेंट चेयरमैन जे पी सिंह साहब फॉर अगेन अपॉइंटिंग मी एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ यस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई बोर्ड मेम्बर्स हु हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट पार्ट ऑफ our 2 years journey, and I hope the same cooperation with them, with all of them and from them, that we will go again to a great journey. Yes has been doing great. Our motto for these again coming 2 years will be more social causes, more social rectifying all business concerns, improving all business concerns, whatever problems our members will face, we are with them. And to have more and more members is again a motive for the coming 2 years. सबसे पहले तो मैं अपने नेशनल टीम डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना, श्री विशाल अग्रवाल, उन सबका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी एस मुरादाबाद चैप्टर की चेयरमैनशिप की जिम्मेवारी दी। और सबसे इससे ज़्यादा मैं अपने मेम्बर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया है कि जिसके मैं ये जिम्मेवारी संभाल सकूँ। हमारे जो मेंटोर हैं, जो डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो कि आईएमएल के चेयरमैन हैं, हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेके चलने का जो है हमें कहा है कि कलेबरेशन करिए, वेदर इट इज़ इन बिजनेस या आपकी एसोसिएशंस हैं। तो इस तरह से मैं ये सोचता भी हूँ और चाहता भी हूँ कि हम MHEA के जो हमारे सीनियर पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके हम ट्रेड की हर समस्या को सरकार तक लेके जाएं और अपने ट्रेड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में मदद करें। और हमारी यस वंडर वुमेन क्लब, क्योंकि सोशल फ्रंट पे बहुत एक्टिव है, इनके पूरे सहयोग के साथ हम यस की जो सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से अंजाम दें, तो जो हम लोग मिल के अपने शहर के लिए वापस का कुछ काम कर पाएँ, टू गिव बैक, जो हम लोग ने इस शहर, जो मुरादाबाद एक पीतल नगरी है जिसने इस शहर को बहुत कुछ दिया है, यहाँ के निर्यात की वजह से हर निर्यातक समृद्ध है, उसकी वजह से आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग अपनी सोसाइटी को पे बैक करें, हमारे आर्टिसंस के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें। इसमें मैं इनका पूरा सहयोग लेना चाहूँगा और नीरज जी, विशाल जी, नजम भाई, नावेद भाई, अवधेश जी, मेरे सहयोगी, मेरे पुनीत, हमारे एसोसिएशन में कहते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है आपकी बेटर हाफ होता है, तो मैं चाहूँगा कि वो उसी तरह से मुझे उनका सहयोग चाहिए होगा। और सनत जी, जो कि हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रिय दोस्त भी हैं, इनका भी पूरा सहयोग चाहिए होगा। और हमारे कुबेर सुमित टंडन जी,
जो कि नेशनल ट्रेनर है, इनका भी हर समय सहयोग चाहिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और अपने साथ में जो मेरे साथ सहयोगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम यस जो कि यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की एक अग्रणी संस्था है, इसको और भी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।